हमारे YouTube चैनल मीना रसोई एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हमारे रसोई में बना रहे हैं बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी, चलो शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की पूरी। मैंने आधा कटोरी दाल ली थी, इसको 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसको अच्छे से धोकर क्लीन कर लिया है बिल्कुल। ये अच्छे से भीग गई है, आप देख सकते हैं अच्छे से टूट रहा है दाना। तो दाल मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है, हम इसका पेस्ट बनाएंगे। मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्ची, मैंने 2 हरी मिर्ची ली हैं, इनको कट करके ऐसे डाल देंगे मोटा मोटा सा। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी कट करके डाल दूंगी इसमें। मैंने 1 चम्मच जीरा ले लिया है, ये भी इसी में डाल दूंगी। आप इस टाइम इसमें लहसुन डाल सकते हैं, मैं हर बार डालती हूँ लेकिन अब श्रावण मास चल रहा है इसलिए मैं नहीं डालूंगी। लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूरी का, लेकिन मैं बाहर निकालूँ, मैं नहीं डालूंगी। हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं इसलिए नहीं डालूंगी। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। मैं 3-4 चम्मच पानी डाल देती हूँ इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पेस्ट को मैं निकाल लूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच अजवाइन। इससे हाजमा ठीक रहता है, पाचन के लिए अच्छी रहती है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूरी का। अगर आप कचौड़ी पसंद करते हैं मूंग दाल की तो इस पूरी को ज़रूर ट्राई करें, इसमें आपको बिल्कुल कचौड़ी का ही टेस्ट आएगा। अब हम पूरी को और खस्ता बनाने के लिए डालेंगे इसमें 3 चम्मच सूजी। आप सूजी कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी या मही वाली, आपके पास जो हो। मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। सूजी से बहुत ही खस्ता पूरी बनकर तैयार होती है। अब इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है। अब मैं डालूंगी इसमें आटा, पहले हरा धनिया डाल देती हूँ। अब मैं हरा धनिया डाल दूंगी, पहले धनिया को पहले धोकर काट लिया है मैंने। अब मैं यहाँ में 2-3 चम्मच तेल डाल लूँगी, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले तेल को। मैंने 1 कटोरी आटा ले लिया है, आधा डालूंगी पहले। हमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल, इसी पेस्ट के साथ आटा गूंथ के रेडी करना है। अच्छे से मिक्स करते हुए इसका टाइट डो लगाना है बिल्कुल, जिससे हमारी पूरी खस्ता बने। 1/2 कटोरी मिक्स कर दिया है और डालूंगी। रेडी कर लेती हूँ आटे को। 1 कटोरी आटा पूरा ले लिया, अभी ये आटा बहुत गीला है और डालूंगी इसमें 1/2 कटोरी और डाल देती हूँ। मैंने आटा रेडी कर लिया है, ये टाइट लगाया है बिल्कुल। इसमें मुझे कम से कम 2 कटोरी आटा लगा है, 150 ग्राम दाल थी उसमें 2 कटोरी आटा लगा है, करीब 300 ग्राम। ऐसा टाइट डो तैयार करना है हमें। चलो तो पूड़ी बनाते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब हम इसमें घी डाल रहे हैं। तेल भी ले सकते हैं लेकिन हमें तो घी में पसंद है इसलिए हम घी ले रहे हैं। घी गर्म होने रख दिया, अब मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है इसके ऊपर, इसको और ऐसे अच्छे से मसल लेती हूँ। अब हमारा डो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, अब हम इसकी पूड़ी बनाएंगे। आप जितना शेप देना चाहें ऐसा दे सकते हैं पूड़ी को, छोटा बड़ा जैसा भी। मैंने नींबू के बराबर आटा लिया है, लोई बनाएंगे। मैंने लोई बना ली है, अब बेलूंगी पूरी, थोड़ा सा घी लगा लेंगे चकले का, आधा घी साइड में रहने देंगे, बेलन के लगा लेंगे। अब हम पूरी बेलेंगे, आप चाहें तो छोटी बना सकते हैं या बड़ी बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इतनी बड़ी पूरी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं पूरी बेल बेल के प्लेट में रख लूँगी, तब तक घी गर्म हो रहा है।
मैंने इतनी सारी पूरी बना के रेडी कर ली है। अब मैं निकालूंगी घी में, घी गर्म हो चुका है, धुआं लग गई है, तो मैं डालूंगी इसमें पूरी। ऐसे घी डाल दूंगी साइड से। कितना अच्छा कलर आया पूरी का, देखने में बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है, कचौड़ी जैसे ना। निकाल लेते हैं सिग्गी पूरी। और डाल देंगे इसमें, इन पूरियों को चटनी सॉस या दही किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आलू की सब्ज़ी ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब